आप कैच दी न्यूज बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करिए हमारे एसटी न्यूज चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताजी खबरें। महापद्मनंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की एक बैठक चल रही राजधानी के हुसैनगंज में। नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं। आइए इनके पदाधिकारियों से जानते हैं कि बैठक का उद्देश्य क्या है और बैठक में कहां कहां से लोग आए, बताइए अपने परिचय के साथ। मैं राजू नंद, मंडल अध्यक्ष लखनऊ MCA। हमारे इस मंडल मीटिंग में जनपद हरदोई से जिला सचिव माननीय श्री पूजन सप्ता जी आए हुए हैं। लखीमपुर से हमारे मंडल संगठन सचिव श्री पूजन सेन जी आए हुए हैं। रायबरेली से हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष PN ठाकुर जी आए हुए हैं और हमारे प्रदेश के भी पदाधिकारी आए हुए हैं, जो रायबरेली से माननीय MP वर्मा जी प्रदेश अपर महासचिव जी हैं और MCA के प्रदेश कोषाध्यक्ष बड़े भाई शिव सहायनंद वंशी जी हैं और हमारे मंडल के संरक्षक जो हैं वो भी हैं माननीय DP नंद जी। और बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? बैठक का उद्देश्य ये है कि अभी तक हमारा संगठन राज्य अधिवेशन करता था, अब निर्णय लिया गया है कि हम उत्तर प्रदेश में जो हमारे 18 मंडल हैं हम मंडलीय अधिवेशन करेंगे ताकि हमारे जो लोग प्रतिनिधि या जो कार्यकर्ता अधिवेशन पे नहीं आ पाते थे, क्योंकि प्रदेश ही होता था पूर्वांचल से लेके पश्चिम, तो काफ़ी लोग छूट जाते थे, तो मंडल जब होगा तो वो आसपास के जिले होंगे, वहाँ सभी लोग पहुँचेंगे और जो बातें वहाँ बताई जाएंगी, जो विचारधारा जो विचार किए जाएंगे वो विचारों से लाभान्वित होंगे, इसलिए वो अब मंडलीय अधिवेशन होंगे। लखनऊ का मंडल अधिवेशन की तिथि घोषित हो चुकी है 13 अक्टूबर 2019 तिथि घोषित हो गई है, लेकिन किस जिले में होना है वो आज, इसीलिए बैठक बुलाई गई है, आज निश्चित हो जाएगी। तो संगठन किस विचारधारा पे काम करता है? संगठन हमारा बुद्ध विचारधारा पे है। तो आपका परिचय क्या है, अपने परिचय के साथ में बताइए कि जो बैठक हो रही है वो किस प्रकार से अपने संगठित लोगों को जागरूक करने के लिए? मेरा नाम शिव सहायनंद वंशी, प्रदेश कोषाध्यक्ष MCA उत्तर प्रदेश। ये महापद्मनंद कम्युनिटी एजुकेटर एसोसिएशन जो गठन हुआ है, संस्था चल रही है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारी प्रजाजातियाँ हैं, खासतौर से प्रजाजातियों पर जो जागरूकता की कमी के कारण मुख्य धारा से दूर है, उनको जो मुख्य धारा में लाने के लिए उनके अंदर जन जागरूकता पैदा की जा रही है, उनके अंदर विचारधारा पैदा की जा रही है, जिससे वो जो है इस प्रजावट के काम से, जो ये प्रजाजातियाँ हैं ये प्रजावट का काम सदियों से करती चली आई हैं, 6 महीने की उधारी पर, कहीं साल भर की उधारी पर उनको जो है किसी तरह उनका गुजर बसर होता था, बच्चे जो है शिक्षा नहीं ले पाते थे और शिक्षा न ले पाने के कारण हर क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे थे, उनमें जागरूकता पैदा की जा रही है जिससे वो अपने बच्चों को शिक्षित कर सकें और प्रजावट के काम से दूर हो सके। 2004 में जो है एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया था लखनऊ से मिर्ज़ापुर तक, वो उसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारा जो समाज जो है, हमारी जो प्रजा जातियाँ हैं वो प्रजावट से दूर हों और प्रजावट से जब दूर होंगी तभी जा करके वो शिक्षा की तरफ उनका ध्यान जाएगा, अन्य पेशे को अपनाएं, अन्य उद्योग धंधे अपनाएं, जिससे उनका जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और अपने बच्चों को शिक्षित करके वो अच्छे पदों पर जाएं और अपना विकास करें और इसके साथ साथ समाज और देश का भी विकास हो सके, ये संगठन का मुख्य उद्देश्य है। तो बैठक में बताइए किन विषय को लेकर के आज वार्ता हुई है? अपना नाम बता। सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा, भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा के सम्मान अर्पित करते हुए MCA के समस्त योद्धा पदाधिकारियों का स्वागत करता हूं।
और जैसे कि आपके सम्मुख ये MCA महाप्रधानानंद कम्युनिटी एसोसिएशन है, ये एक प्रथम शूद्र सम्राट महापद्मनंद जी के नाम से रखा गया था, जिनके सामने पूरा 17 महाजनपदों को उस समय उन्होंने जीता था, जिसे कहा जाता था सोने की चिड़िया। तो इसके लिए, इसके तहत हम समस्त नंदवंश के लोग उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो हमारे देश के मूल निवासी हैं, जो संविधान को बचाने के लिए आगे से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका संगठन जो है, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। परिचय देते हुए बताइए, आज जो आपका MCA संगठन की जो बैठक हुई है, उसके अंदर क्या उद्देश्य है बैठक का? मैं डॉक्टर PN ठाकुर, रायबरेली जिलाध्यक्ष, और ये मंडली मीटिंग हो रही है। इसका उद्देश्य है कि समाज में जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए, जो कुरीतियां हैं उनको समाप्त करने के लिए, उस पर हमारा संगठन विचार करता है और शिक्षा पे विशेष बल देता है। जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, हर समस्या की चाबी जो है शिक्षा है, अगर बच्चे हमारे शिक्षित हो जाएंगे, मेरा समाज उन्नत करेगा, आगे बढ़ेगा। क्या कहेंगे आप? संगठन गैर राजनीतिक, गैर सरकारी है। हम अपने निजी संसाधनों से अपने संगठन समाज को उनमें जन जागरण और वर्गीय भावना पैदा करने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। तो अपना परिचय देते हुए बताइए, आज बैठक में कहाँ से आए हुए हैं? मैं शिवभूजन सरता, हरदोई जनपद से। मैं MCA का जनपद महासचिव हूँ। आज यहाँ लखनऊ मंडल में MCA की मंडल की मीटिंग है, और मंडल में किस जनपद में अधिवेशन होना है, इस पर चर्चा थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी को 19 तारीख को जो ज्ञापन दिया था, उस पर चर्चाएँ होनी है। हमारे यहाँ सारे जनपद के लोग आए हुए हैं, और हमारे प्रदेश के स्तर के भी लोग आए हुए हैं। तो मंडल जो ये संगठन हमारा है, जो MCA के जो प्रजावत जो जातियाँ हैं, इनको अपना सम्मान उठाने के लिए, सामाजिक उठान उठाने के लिए, शिक्षित जागरूक करने के लिए ये संगठन काम कर रहा है। इंदु शर्मा, समीक्षा अधिकारी, वर्तमान मतलब पहले थे, रिटायर हो गए हैं, और इस समय त्रिवेणी नगर में जो है थर्ड वे में रहते हैं, निवास करते हैं। और शिक्षा का इसलिए है कि मतलब ऐसा जो जो नेता हैं उन्हीं के सब कॉलेजेज वगैरह हो रहे हैं, तो इसलिए जो है पढ़ाई तो होते नहीं, सिर्फ अपना कमाई के चक्कर में जो है वो अपना लगे हुए हैं। टीचर योग्य रखे नहीं जाएंगे, आयोग लोग रखे जाएंगे, तो शिक्षा का अभाव रहा करेगा। बताइए कि समाज को शिक्षित करने के लिए संगठन में किस प्रकार की लड़ाई लड़ेंगे आप? मैं शिवपूजन लाल सेन, सुभाष नगर, लखीमपुर खीरी। मैं मंडल का संगठन सचिव हूँ, और शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमको हर कदम पर व्यवस्था करनी पड़ेगी। शिक्षा के लिए हमारे जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनमें पैसा ज़्यादा पड़ता है, इसलिए गरीब बच्चे हमारे पढ़ नहीं पाते हैं, और वो एक बिजनेस टाइप का उन्होंने तैयार कर रखा है, जिसमें 400-500 रुपए फीस पड़ती है, और कम से कम 1400 रुपए की किताबें आती है एक कक्षा 3-4 की, तो वो बच्चे 1400-1500 की किताबें नहीं ले सकते हैं और फीस नहीं दे सकते हैं, इसलिए शिक्षा का अभाव है। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा अपने संगठन की तरफ से कि शिक्षा पर लाम लगावें, और फीस और जो ये जो शिक्षा की किताबें हैं ये काउंटर उसी संबंधित दुकान से ली जाती हैं जहाँ से उनका कांटेक्ट है। कमीशन खोरी बंद करें। अगर 1400 की किताबें अगर फ्री कर दी जाए किताबें, तो उतनी कीमत में वो नहीं रहेंगी। और वो अभी हमारे पोते का 1400 का कोर्स आया है, एक गरीब परिवार से 1400 का कोर्स नहीं ले सकता है, इसीलिए शिक्षा का अभाव है, गरीब बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। तो शिक्षा के अभाव को दूर करने के लिए संगठन क्या आपकी लड़ाई किस प्रकार से लड़ेंगे आप? मैं संगठन की तरफ से मैं सरकार से लड़ाई ये लड़ना चाहूँगा कि इस व्यवस्था पर लाम लगावें, और संगठन इसीलिए पुरजोर कर रहा है, और हमारे पूरे ऑल इंडिया में ये सब व्यवस्था हो रही है, और हर इसके क्या कहना हर मंडल में हमारी सब मीटिंगें हो रही हैं। अगर ये शिक्षा पर सरकार कहती है शिक्षित बनो, शिक्षित कैसे बनेगा, गरीब लड़का नहीं पढ़ पाएगा। और सरकार अपनी ये झूठी बातें को ये रख करके और शिक्षा को खुलेआम खुले तौर से शिक्षित बनाने का दावा करें, और निःशुल्क किताबें दी जाएँ, जो कक्षा 5 तक निःशुल्क किताबें दी जाती हैं,
उनकी बात खत्म। और जो ये दुकानें लगाए हुए हैं, स्कूल बनाए हुए हैं, कोई मॉन्टेसरी है, कोई एकेडमी है, फलाना धमाका ये सब बनाए हुए हैं, इनको हटा करके इन पर लाम लगावें कि फीस कम करें और जो कोर्स में पैसा ज़्यादा लिया जाता है वो कमीशन खोरी बंद करें। सरकार अपनी व्यवस्था स्वयं ये निःशुल्क करावे। महाप्रबंधन एसोसिएशन जो बना था कि नाई समाज के बच्चों को उत्थान के लिए, हमारे समाज के बच्चों को उत्थान के लिए कहीं कुछ सरकार कर ही नहीं रही है और सब सब बच्चों को कर रही। तो हमारी मांग ये है कि हमारे जिस तरह और बच्चों को उत्थान के लिए शिक्षा के लिए दिया जाता है, उससे हमारे समाज के बच्चों के लिए भी दिया जाए, वजीफा दिया जाए, जिससे वो हमारा समाज बहुत गरीब है उसको उठने की उम्मीदें किया जाए, तो जो गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ा पाए अपने बच्चों को। ये हमारे माननीय योगी से ये मांग हमारी है पर जो कि इस समाज के बच्चों को उत्थान के लिए कोई कार्य करें जिससे हम लोग धन्य हो सके। इसके अंदर सभी जिलों से पदाधिकारी आए हुए हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं कि किस प्रकार से समाज में अशिक्षित है जिसको शिक्षित बनाना है, और शिक्षित बनाने के लिए समाज कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक के जाकर के समाज को शिक्षित करने के लिए एक पहल आंदोलन छेड़ने वाला है। कैमरामैन अरविंद के साथ मैं अमिताभ से इजाजत चाहता हूँ, धन्यवाद। आप कैचती न्यूज बनेगा आपकी आवाज, पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू, नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार।